व्हाट्सअप का जमाने में आज मिलेगा एक और बहुत ही कमाल प्रोडक्ट जो कि हमारे बच्चों की चीज, तो जो बच्चों की खाने की चीज है, और इसका नाम है बेबी टीथिंग स्टिक्स। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों कंपनी है हमारी अर्ली फूड्स, और ये लंबी लंबी स्टिक्स होती हैं, अगर किसी ने ब्रेड स्टिक्स देखी हो पतली सी होती हैं उनकी तरह दिखने में है, और ये तब काम आती है क्योंकि आपको पता ही है 3-4 महीने के जब बच्चे हो जाते हैं फिर उनको कुछ भी हर चीज़ को मुंह में डालना होता है, चाहे वो अच्छी हो हेल्दी हो, उनको क्या पता प्लास्टिक का है या रबड़ का है, तो उसी चीज़ के लिए थोड़ी बेटर चीज़ उन्होंने निकाली है ताकि जो है बच्चा कुछ ना कुछ तो चबाता ही रहे, साथ ही साथ उसको थोड़ी हेल्दी और न्यूट्रिशन भी मिल जाए। तो भैया इसके अंदर हमारे फ्लेवर हैं अजवैन और जीरा, और इसको आपको कैसे लेना है, तो आपके बच्चों के जब कम से कम 2-4 दांत आ जाएं तभी आप इनको खिलाएं, क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड होती है, अगर उनको ज़्यादा हार्ड लगे तो आप इसको दूध के अंदर भी डुबा के देख सकते हैं, यहाँ पे इसके पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है। साथ में इसके अंदर ग्लूटन और नट्स भी होते हैं इसके ऊपर लिखा है, तो अगर आपको बेबी कोई कोई एलर्जी है तो अपने डॉक्टर से पहले पूछ लीजिए ऐसी चीज़ें खिलाने से पहले, ताकि उनको दिक्कत ना हो। तो आइए देखते हैं इसके अंदर में क्या क्या मिलता है, इंग्रेडिएंट्स हमारे क्या क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिक होल व्हीट फ्लावर, ग्राउंडनट ऑयल, ऑर्गेनिक जेगरी, और क्या एलमंड्स, कैश्यू, पिस्ताशियो, वॉलनट, पम्पकिन सीड, मखाना, लोटस सीड, अजवैन, जीरा और रॉक सॉल्ट, और इसके अंदर कोई भी अंडा और ऐसा सोडा कोई भी चीज़ नहीं है। तो काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, और जहाँ तक मैं पढ़ रहा हूँ मोस्टली सारे हेल्दी चीज़ें हैं। आइए इसको खोल के देखते हैं। तो इसके पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है 30 स्टिक्स आपको मिलेंगी, ये हमारा ऐसे पैकेट इसका आता है, कैमरे में शायद आपको ना दिखे, और ये हमारा पैकेट आता है ऐसे। आइए इसको खोलते हैं। तो एक बार इसको खोलने के बाद जैसे कि आपको पता है स्टिक्स होंगी तो वो सिल जाएंगी, तो आप एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखिए ताकि जो है अच्छे से आप इसको यूज़ कर पाएं। आइए मैं इसको खोलता हूँ और देखते हैं हमें कैसी स्टिक्स मिलती हैं। ये हमने इसको खोल दिया, और पैकेट के अंदर भी एक और बॉक्स है, तो पैकिंग तो बहुत ही कमाल की है। पहले हमें मिलता है ये वाला पैकेट, फिर इसके अंदर एक और एयर टाइट पैकेट मिलता है, फिर इसके बाद हमारी आई थिंक इसके अंदर हमारी स्टिक्स होनी चाहिए, तो इसके लिए भी मुझे कुछ ना कुछ लॉक ढूंढना पड़ेगा। तो ये हमने इसको खोल लिया है, आपके सामने फर्स्ट टाइम ही खोल रहा हूँ, और ये आ गई हमारी स्टिक्स। आइए मैं आपको खोल के इसको थोड़ा क्लोजअप से दिखाता हूँ। तो ये हमारी स्टिक्स हैं और काफ़ी ज़्यादा हार्ड हैं, तो अगर मैं ऐसे टक करके दिखाऊँ आपको तो एकदम ब्रेड स्टिक की तरह हार्ड हैं। तो आपका बेबी के जब तक दांत ना आए तब तक आप इसको ना खरीदिए, फिर अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड हो तो आप इसको जैसे कि बोला था इसके दूध के अंदर, या आई थिंक आप पानी के अंदर भी शायद आप दे सकते हैं। तो ये देखिए दिखने में ऐसी है। आइए अपने बेबी को मैं खिला के दिखाता हूँ फर्स्ट टाइम उसको कैसे लगता है। उसके अभी तक 2 दांत ही आए हैं, वो भी नीचे के ऊपर के भी आने वाले हैं, आइए उनको खिला के दिखाते हैं। तो ये देखिए ये हमारी स्टिक जो है हमारा बेबी बड़े ही शौक से खा रहा है, आप यहाँ देख ही सकते हैं, और इसने गिरा दिया है, अभी खुद ही इसको उठा के देनी पड़ेगी। तो देखिए चू कर करके ये छोटी हो रही है, और एक ऑलरेडी ये खा चुका है, तो कल एक दिन पहले खाई थी, और इसको कोई भी दिक्कत नहीं हुई खाने में, और बहुत ही इसको टेस्टी लग रही है, और धीरे धीरे चूस चूस के वह फ्लेवर भी इनका जा रहा है, तो न्यूट्रिशन भी इनके अंदर जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है।